मेरा नाम आकाश कुमार है। मैं नॉर्थ विहार शुगर मिल प्लस टू उच्च विद्यालय नरईपुर बगहा दो पश्चिम चंपारण के नौवीं वर्ग का छात्र हूँ। मैंने यह मॉडल किसानों व मजदूरों के हितों के लिए बनाया है। यह मॉडल किसानों व मजदूरों के लिए काफ़ी लाभप्रद है। इस मॉडल को टोपी को पहनकर अगर किसान व मजदूर खेतों में काम करेंगे तो इससे उनको धूप से बचाव होगी और कार्य करते समय इसमें लगे पंखे की सहायता से उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी जो इस प्रकार कार्य करती है। किसान और मजदूर इसमें लगे लाइट की सहायता से अपने खेतों में देर रात तक काम कर सकेंगे और इसका उपयोग घरेलू काम में भी किया जा सकता है जो इस प्रकार कार्य करती है। मजदूर कठिन कार्य करते समय इसमें संगीत का भी मनोरंजन ले सकते हैं जो इस टोपी के पीछे एक बॉक्स में हैंडसेट सेट है जिसके द्वारा इसमें मोबाइल से कनेक्ट कर इसमें गाना सुन सकते हैं। यहाँ पर हम इसे मोबाइल से कनेक्ट कर देंगे तो इसमें गाना बजने लगेगा। अगर किसान और मजदूर खेतों में काम करते समय घायल हो जाते हैं या किसी कीड़े मकोड़े के शिकार हो जाते हैं तो इस टोपी के पीछे एक बॉक्स है जिसमें उनको उनकी सारी प्राथमिक उपचार करने के लिए सुविधाएं मौजूद है जिसमें कॉटन रुई डेटॉल आदि हैंड प्लाश आदि इसमें मौजूद है। इस तरह यह टोपी काफ़ी फायदेमंद है। किसान इसमें लगे टोपी के अलावा इसमें प्राथमिक उपचार करने के बाद इस टोपी के पीछे एक घड़ी लगा है जिससे किसान समय का पता लगा सकता है। यह टोपी खेतों में काम करते समय इस टोपी के चारों ओर लगे सोलर पैनल द्वारा इसकी बैटरी चार्ज होगी जिसके द्वारा इसकी लाइट और पंखा चलता है। अगर किसी कारणवश यह धूप से चार्ज नहीं होता है तो इसे एसी करंट यानी अल्टरनेटिव करंट के द्वारा इसे चार्ज किया जा सकता है जिसका पिन यहाँ है। इस टोपी का उपयोग हम बहुउद्देशीय टोपी के रूप में कर सकते हैं। इस टोपी का उपयोग खेत के अलावा घर में बच्चे के पढ़ाई के लिए किया जा सकता है, खाना बनाने में किया जा सकता है आदि में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अगर इस टोपी का उपयोग अगर किसान नहीं करता है तो अगर वह इसी तरह खेत में जाकर काम करता है तो उसे गर्मी में लू लग सकती है जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए इस टोपी का उपयोग किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं जब इस टोपी को लेकर अपने विद्यालय के सभागार यानी हॉल में गया तब मुझे शिक्षकों के द्वारा काफ़ी सराहना मिली तथा इसे जब मैंने अपने गांव के किसानों को उपयोग के लिए दिया तब उन्होंने भी मुझे काफ़ी सराहा। धन्यवाद।